ये थ्री कलर से मैं कैप बना रही हूँ। मैंने इसकी स्वेटर पहले बनाई थी इसी कलर में, ये मेरे तीन कलर हैं। तो इसी कलर से मैंने एक स्वेटर बनाई थी, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसी के डिज़ाइन, वही डिज़ाइन डालकर हमें कैप बनवानी है। तो ये मैं कैप बना रही हूँ। इसमें हम ये 10-12-13 साल की लड़की की कैप है। इसमें मैंने 120 फंदे डाले हैं, और जो डिज़ाइन मैंने उसमें डालना था वही डिज़ाइन इसमें डालकर, अब ये मैंने बॉर्डर, मैंने इसको आपको दिखाया था किनारी वाला बॉर्डर मैंने बनाया है इसमें, तो ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ बॉर्डर, तो मैं इसकी वीडियो तो मैं डाल चुकी हूँ। अब इसकी लंबाई हमें जितनी रखनी है वो लंबाई, अब इसके ऊपर मैंने दूसरा कलर, ये येलो कलर से, तो मैंने इसमें ब्राउन कलर येलो जो भी है ये, इससे तो मैंने बना दिया। अब हम इसको इन दो कलर से आगे डिज़ाइन डालेंगे, तो मैं कैसा डिज़ाइन डालूँगी वो आपको अब आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाती रहूँगी। ये देखिए, अब मैंने दूसरा कलर से ऊपर जो डिज़ाइन डाला है, जो स्वेटर में डिज़ाइन था वही मैं इसमें डाला है मैंने। ये इसकी एक ऊपर में ये और डाल के इसकी हम लंबाई जितनी हमें चाहिए लंबाई कर लेंगे, उसके बाद कटाई कैसे करनी है वो हम बताएंगे। अब ये हमारी लंबाई यहाँ पर पूरी होगी। मैंने एक ब्लाद, हमने अपने हाथ से एक ब्लाद नाप कर, ये 6-7 इंच के करीब है, तो इस इतनी लंबाई पूरी करने के बाद अब हम इसकी घटाई करेंगे। घटाई में अब इसको हम बंद करेंगे, तो शुरू का फंदा हम सीधा उतार लेंगे, उसके बाद दो का एक किया, फिर हम यहाँ पर दो का एक करेंगे, दो का एक, पूरी सिलाई को हम सीधी सिलाई राइट साइड से हम सारे फंदे हम दो का एक करके इसको घटा देंगे। तो अब हमारे पास इसमें 120 फंदे थे, तो अब घटाते घटाते हमारे पास यहाँ 60 फंदे रह जाएंगे। उल्टी सिलाई फिर हम सारी उल्टी उल्टी ही बना लेंगे। तो अभी पहले हम इसको घटा लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे 60 फंदे रह गए, उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं किया, 60 के 60 फंदे बुनाए हैं, उतार वैसे सीधे सिंपल बनाए हैं। अब ये राइट साइड, फिर हमारी राइट साइड, अब यहाँ पर फिर हम वही दो का एक, दो का एक, दो का एक, पूरी सिलाई ऐसे ही करेंगे। तो 60 से अब हमारे यहाँ पास फिर यहाँ 30 फंदे रह जाएंगे। तो इस तरह हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करते, दो का एक करके हम पूरे यहाँ फंदों को घटा देंगे। तो ये हम उल्टी सिलाई फिर हम सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब ये हमारी राइट साइड, राइट साइड में फिर हम वही दो का एक करते चले जाएंगे, दो का एक किया, का एक, ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 15 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ 15 फंदे रह गए। ये हमारी इस तरह जो नटसी पड़ गई है, उल्टी सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, इसे हमने सिंपल सिंपल उल्टा ही बनाना है। हमारे 15 फंदे, अब राइट साइड, राइट साइड, अब हम इन सारे फंदों को इकट्ठा बंद कर देंगे सुई से। ये देखिए, अब सारे फंदे हम सुई में ले लेंगे।
इस तरह हमने अब सारे फंदे सुई में उतार लिए। ये देखिए हमारा, अब अगर हम इसको दोबारा अगर इसमें डालना चाहें, दोबारा सुई में से पक्का करना चाहें, तो हम इन फंदों को दोबारा भी डाल सकते, तो इससे हमारा ये टूटने का डर नहीं रहता। हमने सारे फंदों को सुई में टाइट कर दिया। अब उल्टी तरफ से हम इसको सिलाई कर देंगे। हमने अभी ये येलो से रहे येलो धागे को उन सिलाई को मिलाना है, वाइट में वाइट मिलाना है, डिज़ाइन में डिज़ाइन मिलाकर बिल्कुल बराबर बराबर सिलना। तो अब हम यहाँ से ऐसे इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए अब हमारी ये कैप बनकर तैयार है। आपको ये बनी हुई कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।